हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने 3.1 का बेसिक कर लिया था। आज हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन ने दिया है इसके शून्य ज्ञात करो और शून्य और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो इसका मेरे फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें करवा लिया था। तो अब देखते हैं इसका सेकंड। सबसे पहले बहुपद मान लेते हैं fx equal 4x² - 4x plus 2। इसको क्या मान लिए, जो दिया गया बहुपद है इसको fx मान। अब इसके हमें शून्य ज्ञात करने, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं बहुपद को। तो fx equal 0, fx की वैल्यू है 4x² - 4x plus 1 इक्वल में 0। अब इसके इस प्रकार से टुकड़े करते हैं, गुणा करने पर तो हमारे पास बने 4x² * 1। कितना आना चाहिए, 4x², जोड़ने या घटाने पर हमारे पास कितने आने चाहिए, माइनस के 4x। गुणा करने पर तो हमारे पास 4x² बने, 2 * 2 4 होते हैं, माइनस के 2 ने माइनस के 2x माइनस के 2x, तो माइनस के 4x हो गए। गुणा करने पर प्लस के 4x² बन गए। तो ये इसके क्या हो गए, दो गुणनफल टुकड़े हो गए इसके इस प्रकार से। तो क्या लिखेंगे, 4x², यहां पर वैल्यू रखते हैं ये -2x प्लस 1 इक्वल में 0। अब यहां से इतने में से हमारे पास कॉमन क्या है, 2x, ब्रैकेट में क्या रहेगा, 2x माइनस 1 फिर माइनस, इतने में से क्या कॉमन लेंगे, ये ब्रैकेट में क्या रहेगा, 2x माइनस 1 टू माइनस 1 तो प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल में 0। पूरे में से कॉमन क्या रहेगा, 2x माइनस 1, ब्रैकेट में भी रहेगा 2x माइनस 1 इक्वल में 0। तो 2x माइनस 1 इक्वल में 0 रखें, तो 2x इक्वल माइनस का 1 है उससे जाके प्लस का 1, तो यहां से x इक्वल क्या आएगा, 1/2। तो x का मान क्या आ गया, 1/2। इसको भी रखते हैं 2x माइनस 1 इक्वल में 0, तो 2x इक्वल माइनस का 1 है प्लस का 1, तो x इक्वल कितना आ गया, 1/2। सबसे पहले इसने क्या कहा था, शून्य ज्ञात करो, तो हमने इसके शून्य ज्ञात कर ली। द्विघात समीकरण है, पावर 2 है, तो अधिकतम से अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। अब करते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो क्या हो जाएगा हमारे पास शून्यकों का योग, पहला शून्य का 1/2 प्लस दूसरा भी 1/2, एलसीएम लेंगे 2, 1 प्लस 1 2/2, कितना आ जाएगा 1। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल में 1/2 × 1/2, तो 1/4। शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया, 1/4। अब फॉर्मूले के द्वारा देखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणन अपॉन में x² का गुणन, अपॉन में क्या होता है, x² का गुणन। ये फॉर्मूला बताया हुआ है, तो माइनस एक्स का गुणन, एक्स का गुणांक यहां पर कितना है, एक्स के गुणा में माइनस के क्या अपॉन में x² का गुणन, x² के गुणा में भी 4, 4 में 4 का भाग देंगे 1, माइनस इंटू माइनस कितना आ गया प्लस का 1। यहां भी शून्य का योग कितना है, प्लस 1, फॉर्मूले से भी कितना है, प्लस 1। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल में अचर पद अपॉन में x² का गुणन, अचर पद अपॉन में x² का गुणन। तो हमारे पास यहां पर अचर पद कितना है, प्लस 1, अपॉन में x² का गुणांक, x² के गुणा में कितना दिया है 4, तो ये भी कितना आ गया, 1/4, यहां भी कितना है, 1/2। तो अतः हमारा शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। और देखते हैं इसके थर्ड को खुद करोगे, इसी प्रकार सिंपल है। फिफ्थ तो देखते हैं इसका, एक फिफ्थ में हमें दिया है x² -
एफ एक्स इक्वल ही मान लेते हैं, 5 टाइम्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 8 इनटू में एक्स प्लस रूट 3। क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 8 इनटू एक्स प्लस रूट 3। तो देखो यहां पर इसको शून्य के इक्वल रखनी नहीं, तो एफ एक्स इक्वल 0 शून्य के निकालने के लिए बहुपद को किसके इक्वल रख लेते हैं, 0। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 8 इनटू एक्स प्लस रूट 3 इक्वल में 0। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस रूट 3 का गुणा एक्स के साथ रूट 3 एक्स, माइनस प्लस माइनस 1 का गुणा एक्स के साथ एक्स प्लस रूट 3 इक्वल में 0। यहां से इतने में से कॉमन आ रहा है एक्स, तो ब्रैकेट में रहेगा एक्स माइनस रूट 3, फिर माइनस यहां से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो कितना लेते हैं 1, ब्रैकेट में माइनस इनटू माइनस प्लस एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस रूट 3 इक्वल में 0। पूरे में से कॉमन क्या रहेगा, एक्स माइनस रूट 3, ब्रैकेट में क्या रहेगा एक्स माइनस इक्वल में 0। तो एक्स माइनस रूट 3 इक्वल में 0, माइनस का रूट 3 है उस रेंज में प्लस का, तो एक्स इक्वल कितना आ गया, प्लस का रूट 3। एक्स माइनस 1 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, प्लस का 3। तो हमारे पास ए इसके क्या आ गए, शून्य। वो एक प्रोसीजर, सबसे पहले हम शून्यकों का योग करते हैं, तो शून्य का हमारे कितने रूट 3 हो रहे, तो क्या आ जाएगा रूट 3 प्लस 1, शून्य का गुणनफल रूट 3 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा रूट 3। फॉर्मूले के द्वारा देखते हैं ये हमारा सत्य है या नहीं, तो देखो माइनस एक्स का गुणन, एक्स के गुणा में क्या लिया है, माइनस का रूट 3 प्लस 1, माइनस रूट 3 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणन, एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं दिया, तो कितना होता है माइनस इनटू माइनस प्लस रूट 3 प्लस, यहां भी कितना है रूट 3 प्लस। अचर पद, अचर पद हमारा कितना है रूट 3, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, तो ये भी कितना गया रूट 3, यहां भी कितना आया था रूट। तो अतः शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य हमारा संबंध सत्य है। इस प्रकार से इसके जो भी पार्ट रहे वो खुद करो। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक द्विघात का बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग देता है और गुणनफल देता है। देखो इसके 6 पार्ट हैं, इसमें से मैं आपको 2 पार्ट करवा देता हूं। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है हमें, और हमें क्या क्या करना है, द्विघात बहुपद, इसका मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले बताए थे लास्ट लेक्चर में। फर्स्ट दिया है इसमें माइनस 3 कॉमा 2, शून्यकों का योग हमें दे रखा है उसमें माइनस का 3, शून्यकों का योग कितना दे रखा है माइनस का 3, शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल इक्वल में दे रखा है प्लस का 2। द्विघात बहुपद पूछा है हमारे से, तो फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, द्विघात बहुपद इक्वल में यहां x मान लेते हैं, द्विघात बहुपद x स्क्वायर, यहां पर क्या आता है k * x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग * में x प्लस शून्यकों का गुणनफल, प्लस में शून्यकों का गुणनफल, यही फॉर्मूला लिखा है। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 2। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 एक्स प्लस 2। k यहां पर आपको बताया हुआ है क्या आपने, ये k यहां पर वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। तो अभीष्ट बहुपद हमारा क्या आएगा, x2 + 3x + 2।
क्या लिखो गया था अभीष्ट बहुपद इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक और देख के इसका सेकंड पार्ट ही देख लेते हैं। इसमें दिया है रूट दो कोमा एक बटे तीन, तो देखो यहां पर रूट दो कोमा एक बटे तीन शून्य को का योग दिया हमने रूट दो, गुणनफल दिया है एक बटे तीन, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग कितना है रूट दो इंटू में एक्स प्लस एक बटे तीन गुणनफल लिख दिया, तो k इंटू एलसीएम लेंगे यहां से तीन ऊपर क्या लिया तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन रूट दो एक्स प्लस में तीन एलसीएम लेने पर यही आएगा हमारे पास एक तीन को बाहर ले जाते हैं तो k बटे तीन तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन रूट दो एक्स प्लस में तीन, तो क्या लिखोगे यहां k बटे तीन वास्तविक संख्या है रियल नंबर है ये, तो अतः अभीष्ट बहुपद हमारा क्या आएगा तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन रूट दो एक्स प्लस में तीन। इस प्रकार से बाकी पार्ट इसके खुद करोगे। थर्ड रो में देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नहीं, हमें द्विघात बहुपद दे रखा है और उसके शून्यकों के वर्गों का योग भी दे रखा है। देखो थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद उसने हमें दिया है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस, क्या दिया एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस टी, और उसने बोलकर इसके शून्यकों का वर्गों का योग, तो मान लेते हैं माना दो शून्य को या माना इसके शून्य अल्फा व बीटा, क्या मान लिए इसके शून्य का अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल में माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या आएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल में माइनस एक्स का गुणांक कितना है माइनस के आठ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आएगा एक, तो माइनस इंटू माइनस प्लस के आठ अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया प्लस का। समीकरण नंबर एक शून्यकों का गुणनफल करते हैं अल्फा इंटू बीटा अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणा अल्फा इंटू बीटा अचर पद हमारा कितना है स्मॉल के इसको देर के समझो अपॉन में इसको समीकरण नहीं लेते ठीक है एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ भी नहीं है कितना मान यहां पर गुणा में कुछ नहीं होता कितना होता है क्योंकि एक इंटू एक्स स्क्वायर कितना आएगा एक्स स्क्वायर है अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना गया समीकरण नंबर। अब उसने बोलता है शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग इक्वल में 40। शून्य क्या है हमारे अल्फा और बीटा वर्ग करेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा का योग तो योग आ गया प्लस आ जाएंगे शून्यकों के वर्गों का योग कितना दिया है 40। समीकरण नंबर तीन अब हमें k की वैल्यू चाहिए तो समीकरण इसके बाद करेंगे समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने तो वर्ग करते हैं अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर इक्वल में आठ की स्क्वायर इसको बोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा इक्वल में 64। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 40। समीकरण तीन व दो से मान रख देते हैं तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना 40 प्लस टू इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना यहां पर के इक्वल में 64 प्लस के 40 एक्साइड या के माइनस के तो 2 के इक्वल 64 माइनस 40 तो 2 के इक्वल कितना आ गया यहां से 24
तो k इक्वल 24 बटे d, तो k इक्वल कितना आ जाएगा यहां से 12, तो k का मान कितना आ गया हमारे पास 12। अब तक k का मान कितना है 12, द्वि का बहुपद दिया था, शून्यों के वर्गों का योग दिया, हमने इसके शून्य मान लिए अल्फा और बीटा, तो इनका योग आ गया फॉर्मूले से कितना 8, गुणनफल इनका आ गया फॉर्मूले से कितना स्मॉल के, वर्गों का योग यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल में 4। समीकरण 1 का वर्ग करने पर वर्ग कर दिया और उसके बाद हमने 3 और 2 के प्रयोग से इसके मान लिख दिए, फिर तो समीकरण को ही सॉल्व करना है और आपके पास k की वैल्यू 3.2। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसके इतने क्वेश्चन।